हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर के बारे में। क्या होते हैं ये स्लाइसिंग ऑपरेटर, क्या है ये स्लाइसिंग ऑपरेटर इन पाइथन, क्या है इसका यूज़ और क्यों पढ़ना जरूरी है, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कि स्लाइसिंग ऑपरेटर है क्या। तो पाइथन में ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, जिसको हम स्लाइसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसका यूज होता है किसी भी स्ट्रिंग से उसका कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने में। मतलब कोई एक स्ट्रिंग है, आपको कोई गिवन स्ट्रिंग है, उसमें से कुछ पार्ट को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। तो उस पार्ट को आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें प्रोवाइड कराया गया है स्लाइसिंग ऑपरेटर। तो एक चीज़ इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पाइथन में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी चीज़ स्टोर होता है, आप किसी स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं, तो वो एक अरे के फॉर्म में स्टोर होता है मेमोरी पे। और उस एरे को हम आप इंडेक्स बेस्ड एक्सेस कर सकते हैं। और ये पाइथन में जीरो बेस्ड इंडेक्स पे ये स्टोर होता है कोई भी स्ट्रिंग। मतलब आप आनंद को स्टोर किए तो मेमोरी में एक ब्लॉक बना लेगा और एक एक करेक्टर के एक ब्लॉक में रखेगा वहाँ पे, और फिर वो इंडेक्स बेस से एक्सेस हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ रूल्स है जिसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहले चीज़ का ये हमारा सिंटेक्स हो गया स्लाइसिंग ऑपरेटर का, स्टार्ट इंड एंड स्टेप। मतलब कि किसी भी स्ट्रिंग को किस पार्ट को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, उसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा, एंड पोजीशन क्या होगा और स्टेप क्या होगा, ठीक है। स्टेप करने का मतलब कि स्टार्टिंग पोजीशन से कितना स्टेप को छोड़कर हमको नेक्स्ट स्ट्रिंग पिकअप करना है, इसका मतलब ये होता है। और एक चीज़ और है कि जो एंड पोजीशन होता है, एंड पोजीशन में जो नंबर दिया हुआ रहता है उससे एक कम वो एक्सट्रैक्ट करता है। मतलब कि एंड पोजीशन जो आउटर बाउंड होता है वो एक्सक्लूडेड रहता है, राइट। वो हम आने वाले कोडिंग में पार्ट में देखेंगे। और एक चीज़ और है कि तीनों चीज़ में क्या बोलते हैं सिंटेक्स में जो तीनों यहाँ पे स्टार्ट इंड एंड स्टेप पैरामीटर, वो तीनों के तीनों ऑप्शनल होते हैं। मतलब आप कुछ भी पार नहीं करिएगा फिर भी कोई एरर नहीं आएगा, सारे के सारे ऑप्शनल होते हैं, या कोई दो कॉम्बिनेशन को आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें कि पाइथन में जो इंडेक्सिंग होता है वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव इंडेक्स जो कि जीरो से स्टार्ट होता है और एक नेगेटिव इंडेक्स जो कि -1 से स्टार्ट होता है। पॉजिटिव इंडेक्स का यूज़ हम लोग करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्स करने के लिए किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी एरे को, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। एंड नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ करते हैं हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्स करने के लिए किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी एरे को, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। ये है कुछ रूल्स। अब हम देखेंगे कोडिंग पार्ट में कैसे क्या क्या यूज होता है, इसको कैसे हम सब चीज़ कर सकते हैं। स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज़ करके बहुत बड़े 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 प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, राइट। हम लास्ट में देखेंगे वो सारा चीज़। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है, ये ABCDE, फिर स्पेस है, फिर FGHIJ। मैंने ये इसलिए ये यूनिक वर्ड लिया हुआ, यूनिक स्ट्रिंग लिया हुआ, ताकि जब स्लाइसिंग हो तब कोई कन्फ्यूजन ना हो कौन सा ए कौन सा एन। मतलब मैं अपने यदि नाम लेता तो उसमें एन दो बार आता है, तो कौन सा एन पिकअप किया वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए मैंने ये एक यूनिक बनाने के लिए बस ABCDE FGHIJ ऐसे करके ले लिया, ठीक है। अब इस पर हम काम करते हैं अपना। सबसे पहले तो आप देख लेते हैं कि ये एस में ये स्लाइसिंग इंडेक्स जीरो इंडेक्स बेस्ड रहता है, स्ट्रिंग स्टोर रहता है मेमोरी में, तो इसको देख जीरो पास करेंगे तो हमारा ये ए प्रिंट होना चाहिए, ये प्रिंट हो गया, राइट। अब हमें क्या चाहिए कि इस स्ट्रिंग से हमको ये वाला पार्ट बस चाहिए, राइट। तो ये वाला पार्ट अब देख लेंगे कि ये 0, 1, 2, 3, 4 फोर्थ इंडेक्स पे ये है, तो हमको ये जीरो से लेके फोर्थ इंडेक्स तक का स्ट्रिंग हमको चाहिए। तो जीरो से लेकर के हम क्या करेंगे, फोर्थ इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4th, राइट, वो इंडेक्स को वहाँ पे हम पास कर देंगे। तो अब मैं क्या बोलूँ, ये 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हम यहाँ पे 5 नहीं डालेंगे, 4 डालेंगे, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्स रहेगा, राइट। इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, ABCDE। अब ये ई छूट क्यों गया, क्योंकि हम अभी बोले कि ये आउटर बाउंड को एक्सक्लूड कर देता है। मतलब ये 4 डाले यहाँ पे तो 3rd इंडेक्स तक ही गया, राइट। तो यहाँ पे हम 5 डालेंगे तब वो हमारा पूरा आएगा ABCDE, राइट।
तो ये हमारा पूरा इंडेक्स आ गया। अब वैसे ही हमको ये स्ट्रिंग पूरा लेना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम फिर से कॉपी करेंगे। ये हमारा कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ये यहाँ पे 5 तक आ गया, ये स्पेस हो गया 6, मतलब तो 7 से स्टार्ट करना है और हमको लास्ट तक लेना है। ठीक है, तो 7 से स्टार्ट करके और लास्ट तक लेने के लिए मतलब हम क्या करेंगे ना, कि यदि आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से पूरा लास्ट तक करेक्टर लेना, लास्ट तक स्ट्रिंग लेना है, तो आप बस कुछ मत पास कीजिए, ये पे ब्लैंक रहने दीजिए। मतलब ऑप्शनल पैरामीटर होता है तो नहीं भी पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ मत कीजिए। तो इस कुछ नहीं का मतलब होता है कि वो राइट साइड में पूरा का पूरा ले लेगा वो, राइट, क्योंकि इंड पोजीशन आप नहीं दे रहे हैं, तो इंड पोजीशन बाय डिफॉल्ट जो होता है जितना भी स्ट्रिंग उसमें अवेलेबल है लेंथ उतना ले लेगा वो। अब देखते हैं 7 से पूरा GHIJ, वो F कर दिया हमें, शायद ये 6 से करना होगा, मतलब 5 6 6 से, मतलब 6 इंडेक्स, मतलब का ये 6 इंडेक्स मतलब का 7वां करेक्टर, तो ये यहाँ पे ये आ गया, तो ये हो गया, तो FGHIJ ये हो गया। वैसे भी इसको भी हम यदि हम चाहेंगे 0 अप नहीं भी देंगे, फिर भी ये बाय डिफॉल्ट 0 ले लेगा, राइट, ABCDEFGHIJ, राइट। तो मतलब ये भी ऑप्शनल हो गया। अभी हम बोलेंगे तीनों का तीनों ऑप्शनल है, तब क्या करेंगे, हमको पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही प्रिंट करवा देना है बट स्लाइसिंग ऑपरेटर यूजिंग, तो हम कुछ नहीं देंगे बस। अब देखिए ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट। अब क्या करना है कि हमको सिर्फ स्टेप चाहिए, हम क्या करेंगे कि एक एक करेक्टर छोड़ कर प्रिंट करें। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टेप में कुछ नहीं देने का मतलब वहाँ पे आपको कोई करेक्टर वो जंप नहीं करेगा, सबको प्रिंट किया, जैसे प्रिंट किया था ABCD सिक्वेंशियली प्रिंट कर दिया था, लेकिन हमको चाहिए कि ए को छोड़कर फिर वो सी प्रिंट करे, फिर डी को, बी को छोड़कर सी प्रिंट करे, फिर डी को छोड़कर ई प्रिंट करे, तो हमें यहाँ पे 2 पास करना होगा, मतलब वो एक करेक्टर छोड़कर दूसरा करेक्टर प्रिंट करेगा। अभी अब देखते हैं, ठीक है, एक के बाद बी को छोड़ दिया है, फिर सी प्रिंट किया है, डी को छोड़ दिया है, फिर ई प्रिंट किया है, फिर स्पेस छोड़कर एफ प्रिंट किया है, फिर जी छोड़कर एच, आई छोड़कर जे, राइट। तो ये हो गया स्टेप का यूज, राइट। अब स्टेप यदि पॉजिटिव हो तो वो राइट डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो क्या करेगा, कैरेक्टर जंप करेगा। यदि हमको बैकवर्ड डायरेक्शन में स्किप करवाना है करेक्टर, तो हम वो स्टेप नेगेटिव भी दे सकते हैं, जो कि हम नेगेटिव इंडेक्स के साथ उसको देखेंगे। ओके, अब हम नेगेटिव इंडेक्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं, नेगेटिव इंडेक्स को लेकर कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हमें ये जे से लेकर के एफ तक, मतलब ये नेगेटिव इंडेक्स -1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि पॉजिटिव इंडेक्स 0 से, नेगेटिव इंडेक्स -1 से। तो -1 पे जे है, फिर -2 पे आई है, -3 पे एच है, ऐसे करके पूरा है। तो हमें क्या करना है कि एस में हमें -1 से हमको पूरा का पूरा चाहिए, -1 से पूरा का पूरा, मतलब ये जे से ये पूरा स्ट्रिंग चाहिए, तो बस ऐसे दे दिए। ये प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा पूरा का पूरा, ये नहीं करेगा, तो यहाँ पे -1 दे दिए। तो -1 से हमें, जैसे कि हमें लगता है कि हमें मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि जे से वो पूरा का पूरा प्रिंट कर दे, राइट। तो -1 से ये, अभी हम बोले थे कि एंड पोजीशन कुछ नहीं देंगे तो वो प्रिंट कर देगा सारा का सारा, बट हम जब इसको रन कराएंगे तो अभी वो पूरा का पूरा प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक हम उसको ये नहीं बताए हैं कि उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उस डायरेक्शन को देने के लिए हमको इंड पोजीशन कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमको सारा का सारा करेक्टर चाहिए, बट डायरेक्शन हमको उल्टा चाहिए, राइट। तो -1 दे देंगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, राइट टू लेफ्ट। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, आप देख सकते हैं कि माइनस ये जे, फिर आई, फिर एच, जी एफ, ई डी सी वी ए, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग को ये क्या कर दिया, पीछे से प्रिंट कर दिया, राइट। तो ये होता है नेगेटिव इंडेक्स। अभी और देख लेते हैं कि हम दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, अब मतलब कि ये तो पूरा का पूरा हो गया, अभी आप कुछ पार्ट चाहते हैं तो ये यहाँ पे -5 कर दीजिएगा तो भी वो वर्क करेगा,
और आप देख सकते हैं कि जे आई एच जी मतलब कि जे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर और माइनस फाइव, चूँकि आउटर बाउंड एक्सक्लूड कर देना है इसलिए माइनस फाइव वाला नहीं करेगा, माइनस फोर तक ही करेगा, राइट। आई होप यू आर गेटिंग। इसके बाद हम क्या करेंगे कि नेगेटिव इंडेक्स एंड पॉजिटिव इंडेक्स का मतलब दोनों को एक साथ कंपोजिट रूप में भी यूज कर सकते हैं, वो कैसे आके देखते हैं आगे। एस है उसमें हमको चलना है जीरो से और प्रिंट करना है माइनस फाइव तक का, राइट। और चूंकि हम कोई स्टेप नहीं दे रहे हैं तो स्टेप रहेगा हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जीरो से माइनस फाइव तक का। पहले हम इसका देख लेते हैं क्या आउटपुट आना चाहिए। इसका आउटपुट आना चाहिए जीरो से हमको ए बी सी डी, अब माइनस फाइव इंडेक्स, माइनस फाइव इंडेक्स, माइनस वन यहाँ पे है, माइनस टू यहाँ पे, माइनस थ्री ये पे, माइनस फोर ये पे, माइनस फाइव ये पे, माइनस फाइव तक, और एक एक्सक्लूड कर देना है मतलब स्पेस को एक्सक्लूड कर देगा, मतलब ए बी सी डी ई हमारा ये रिजल्ट आना चाहिए यदि मैं सही हूँ तो। ए बी सी डी ई राइट, ये मतलब पॉजिटिव इंडेक्स एंड नेगेटिव इंडेक्स दोनों का कंपोजिट वे में कैसे हम यूज कर सकते हैं वो बोलेंगे। एक चीज और है इंटरेस्टिंग इसमें कि आप कुछ भी इसमें दे सकते हैं, ये कभी भी स्लाइसिंग ऑपरेटर एरर नहीं देता है आपको, मतलब ये कुछ भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ये आपको कभी भी एरर नहीं देने वाला चाहे वो इंडेक्स अवेलेबल हो या ना हो। इसके जगह पर बस वो ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, राइट। तो कोई कुछ भी दे सकते हैं आप, ये एरर नहीं देने वाला है, ये ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा यदि ये मैच नहीं करेगा तो, राइट। अब जैसे कि यहाँ से हम जीरो से कुछ ना दो या बहुत सारा नंबर दे दो, मतलब वो तो बाकी करे जितना मिलेगा वो करेगा, नहीं मिलेगा तो बस वो स्पेस दे देगा वहाँ पे, ये मतलब ये ब्लैंक स्ट्रिंग इधर प्रिंट कर दिया होगा, तो ये हो गया कुछ भी। तो ऐसा ही आप नेगेटिव इंडेक्स के साथ भी दे सकते हैं, वो कभी भी कोई एरर नहीं देने वाला है, राइट। तो ये सारा चीज़ था स्लाइसिंग ऑपरेटर के बारे में। ये सिर्फ स्ट्रिंग पर ही नहीं लिस्ट पे भी अप्लाई होता है। कोई लिस्ट में कोई वैल्यू है तो वो लिस्ट में का वैल्यू को भी हम स्लाइस करके पीस ऑफ लिस्ट मैंने कुछ पार्ट ऑफ लिस्ट को प्रिंट आउट कर सकते हैं या उसको अलग स्टोर कर सकते हैं, वो हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे। अब एक और चीज़ क्या है यहाँ की, हाँ एक प्रोग्राम हम करते हैं जैसे कि रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर, ओके। तो ये हम कैसे करेंगे, तो सपोज हमारे पास कोई स्ट्रिंग है नेम करके, एक वेरिएबल इसमें आनंद स्टोर है, तो इसको हमको रिवर्स करना है यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर। तो ये बहुत ही सिंपल है पाइथन में इसको रिवर्स करना, हमको क्या करना है बस इस वेरिएबल में हमको स्टार्ट पोजीशन इन पोजीशन कुछ नहीं देना है, मतलब अभी वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करेगा बट इसको नेगेटिव डायरेक्शन में प्रिंट करना है, बस ये आपको रिवर्स हो गया, राइट। आप देख सकते हैं ए एन एन डी को डी एन ए एन ए कर दिया। अब इसका यूज करके बहुत सारा प्रोग्राम बन सकते चेक दैट स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, तो उसका यूज करके हम डायरेक्टली बहुत ही एक लाइन में ही उसका आंसर ले सकते हैं, मतलब उसको दिखा सकते हैं। ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू स्लाइसिंग ऑपरेटर, यस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।